मैंने 27 दिन की तैयारी में 130 नंबर लाया था। कैसे लाया था उसके बाद जैन फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपना परिवार डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सनी देवल और मैं आपको आज गाइड करने आया हूँ बिहार से सीजीएल जो 2022 वाला देने वाले ऐप हैं, उसमें कम समय में क्या पढ़कर हम पीटी आसानी से पास कर सकते हैं, या कैसे मैंने कम समय में पढ़कर मात्र 27 दिन में पढ़कर मैंने 130 नंबर लाया था, उसके बारे में आपको आज बताना चाह रहा हूँ। एकदम डिफिनेट है कि अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पीटी में अपना स्थान आसानी से बना सकते हैं। तो पीटी क्या है, बिहार एसएससी 2022, पीटी कैसे निकालें, कम समय में निकालना है और कम से कम तो मिनिमम 120 प्लस आसानी से ले सकते हैं, 120 130 प्लस भी कर देंगे। मैंने 27 दिन की तैयारी में 130 नंबर लाया था। कैसे लाया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। मैं उस समय पीटी में जयपुर एयरपोर्ट पर एज ए सब इंस्पेक्टर में पोस्टेड था, समय बहुत कम मिलता था, मात्र 27 दिन की तैयारी में मैंने पूरा निकाल दिया। तो क्या हमको पढ़ना है, क्या पढ़े कम समय में क्या हम निकाल देंगे, तो सबसे पहले स्पीडी किताब पकड़ ले लीजिए। बहुत लोग इसमें शिकायत कर स्पीडी में क्या रखा है, एक बार पढ़ के तो देखिए। तो सबसे पहले जीके के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, दोनों देख लीजिएगा, एक स्पीडी का देखिए किताब, एक स्पीडी का है, एक स्पीडी का किताब साइंस है, एक स्पीडी का क्या है, एक समान अध्ययन है। अब तो इसी का दोनों का ऑब्जेक्टिव ही ले लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव है, पॉइंटेड है, क्या है, पॉइंट बाई पॉइंट है, ये देखिए रंग पढ़ा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव है। तो स्पीडी दोनों किताब आपके पास होना चाहिए, ये दोनों क्या है, सब्जेक्टिव पॉइंटेड किताब है, रेलवे पूछा हुआ। उसके बाद क्या इसी का आवेगा, क्या आएगा, इसी का ऑब्जेक्टिव आता है, इसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को बनाना है। अब बोलेंगे सर स्पीडी कैसे पढ़ें, स्पीडी हम कैसे पढ़ें कि एक बार में याद हो जाए या बहुत पढ़ते जाएँ याद होते चल जाए, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा यूट्यूब पर, कहेंगे तो हम वीडियो में लिंक हम डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, एकदम स्पीडी पढ़ते जाएंगे याद हो जाएंगे, भूलेगा ही नहीं, हम लिंक डाल देंगे उसको देख लीजिएगा। तो आप जीके इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, जीके कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, तो स्पीडी सबसे पहले कवर कर लीजिए, बहुत कम समय में हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ने के लिए बताया हूँ ना उस तरह से पढ़ के देखिए। मैंने भी किया हूँ और मैंने 130 नंबर लाए हैं, 130 नंबर 2014 में पीटी मेरा सेंटर नवादा था। तो और आगे बताते हैं कि क्या इसे तैयारी करना हमको है। तो अब जीके स्पीडी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, दोनों साइंस का और समान अध्ययन का, इसी का ऑब्जेक्टिव बुक बना दी जाएगा, उसका आंसर बना दीजिए, कैसा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है सारा का सारा हम वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद अब आता है मैथ, पीटी के बाद क्या हो गया, हमारा सबसे पहले जीके हमारा काम हो गया। यहाँ ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीडी पढ़िएगा। पहला नंबर में जीके के लिए, पहला नंबर में जीके और जीएस के लिए स्पीडी, स्पीडी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसका, जीके पढ़ना है और साइंस दोनों पढ़ना है, और साइंस का बुक क्या पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। पीटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीडी का क्या पढ़ना पड़ेगा, एक जीके वाला किताब, एक साइंस वाला, दोनों इसका ऑब्जेक्टिव दोनों भी ले लीजिएगा, बनाइए कैसे पढ़ना है, हम बोले दिए कि वीडियो में लिंक हम डाल देंगे, देख लीजिएगा, एक बार पढ़ते जाइएगा याद हो जाएंगे, गारंटी हम नहीं भूलेंगे। अब दूसरा में क्या आता है, दूसरा में ध्यान देंगे, दूसरा में हमारा आता है मैथ, दूसरा में क्या आता है, मैथ आता है, क्या आता है दूसरा में, मैथ, मैथ में पूरा चैप्टर पढ़ना संभव है तो ठीक है, अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चाहते हैं कि हम कम समय में कम ही चीज़ पढ़ें, जो पढ़ जो पूछता है लगभग वही हमको पढ़ना है, वही हमको टकरा जाएगा, जैसे मैं पहले वीडियो बना दिया हूँ उसको आप देख सकते हैं, तो मैथ में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन छोड़ना है, पूरा मैथ संभव नहीं है। तीसरा में आता है रीजनिंग, तीसरा में आता है रीजनिंग, तीसरा में क्या आता है, तीसरा में आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का किताब मैंने इसको दिया था, इसको आता है घटना चक्र, रेलवे का बुक आता है घटना चक्र का, इसको पढ़ जाइए, इसको बना जाइएगा मेन मेन चैप्टर, पूरा चैप्टर कितना ही पढ़ सकते हैं, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है कि हमको आसानी से भी काम चल जाए, इसके लिए मैं वीडियो यूट्यूब पे क्या हूँ डाल दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा, और नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, स्पेशल सब्जेक्ट बीपीएस बिहार एसएससी का क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें देखेंगे सारा चीज़ मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा। मैथ देखिए, मैथ के लिए मैं इसको पढ़ा था, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर का जो बुक है इसको मैं पढ़ा था, और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसका भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। तो क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, डीप स्टडी बाय सनी सर लिखिएगा, प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहाँ पर बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट बना, उसमें देख लीजिएगा कि कितना हमको जीके पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किससे मैथ पढ़ना है, किससे रीजनिंग कितना पढ़ना है, कितना चैप्टर ही कवर करना है, और किस चैप्टर में कितना ज़्यादा मेहनत करना है, किस पर एकदम कम मेहनत करना है, सारा चीज़ उसमें गाइड कर दिए। उसके बाद मेन पॉइंट आता है, ध्यान देंगे, 130 नंबर तो ऐसे ले आइएगा, आप चाहते हैं कि 130 से हम करो सर 140 तक पहुंच जाए, 150 तक, 50 में 50 पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरा सेंटर नवादा था, मैं जयपुर से रात में आया था, गाड़ी से उतरा पटना, पटना से फिर नवादा गया, रात ही गया, परीक्षा देने के लिए गया था, सुबह वहाँ 8 बजे पहुँचा, लेकिन मैं 2 महीने का प्रतियोगिता दर्पण लेके गया था, ध्यान देंगे प्रतियोगिता दर्पण लेके गया था। ये प्रतियोगिता दर्पण जो पूछा हुआ पीछे वाला क्वेश्चन है ना, सभी जगह यूपीएससी का, बीपीएससी का, बिहार एसएससी का, बैंक का, सबका मैं पढ़ गया था, 2-1 घंटा में उलट के देख लिया था। उससे क्या हुआ ना कि जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे था, 12-14 क्वेश्चन सारा इसी से लड़, दुए दर्पण से लड़ गया, उलट के देखे थे, उसमें कहता त्रिभुज गिना था,
सीरीज तक के लड़ गया हमको। तो उस दिन हमको 2014 में एहसास हुआ ना कि दर्पण है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्केबल है। उसके बाद हर विद्यार्थी को मैं गाइड करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, दर्पण जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है 3-4-5 महीना 6 महीने साल भर तक पढ़ जाइए, एकदम चुटकी में इसे घूम दिए उड़ा दीजिएगा। और उसके बाद जितना को मैं जो क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में है नहीं जानते कि कहाँ से पूछ दिया तो सारा का सारा मिल जाता है। बिहार दुर्गा में भी मैं लड़ा दिया हूँ क्वेश्चन पूरा लड़ा दिया हूँ, तो यहाँ भी आपको काम करेगा। तो चाहते हैं कि हम सर पूरा के पूरा एक ऑल ओवर हमारा एक सेट प्रैक्टिस मिल जाए या हमको किसी के गाइड में पढ़ें, तो इसके लिए मैं रात में 8 से 9 लाइव बैच ले रहा हूँ, फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लगता है। आपको होमवर्क दे देते हैं कि इतना इतना पढ़िए, उसी से वही वाला क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, वही क्वेश्चन का टेस्ट मारिए, एग्जाम जाएंगे देने जाइए तो आपको नहीं लगेगा हम परीक्षा देने आए हैं, आपको लगेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमको सर पहले ही रटा दिए, ऐसा फील होगा। तो हम क्या हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो पूरा क्या करते हैं स्पीडी कवर करा देंगे। मैथ का हर पोर्शन का वीडियो हम डाल रहे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ये वीडियो पढ़िए पूरा कर दिए। मैथ में 15-20 को वीडियो देख लीजिएगा, रीजनिंग में 30-40 को वीडियो देख लीजिएगा, काम निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए मैथ 3 चीज़ का कर दिए हैं, जीके भी हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा, रीजनिंग होगा। अब जो एक्स्ट्रा पूछेगा हमको 150 से 50 पहुंचना है, 140 पहुंचना है, 145 पहुंचना है, उसके लिए दर्पण के लिए मैं दो साल का मैं क्वेश्चन कैरेट तो लिख के दे रहे हैं, हाथ से टेलीग्राम पर डाले रहे हैं, सन्नी मैथमेटिक्स करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारा चीज़ डालते हैं, डेली डालते हैं, सबको सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद जितना इसमें क्वेश्चन है पीछे पूछा हुआ, देखिए ये सारा का सारा क्या करते हैं, हम खुद होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क हम दे देते हैं, फिर बोलते हैं क्या आप आइए और रात में 8 से 9 हमारे साथ टेस्ट मारिए। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी को तैयारी नहीं होता है, एकदम निश्चित तैयारी हो जाता है, उनको पीटी नहीं होगा, पीटी गारंटी होगा, ऐसा उनको फील हो जाता है अपने आप में। जब हम सही तैयारी करते हैं ना, एक अपने आप है जो हम अंदर से इंडिकेट कोई करने लगता है कि नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं, अगर गलत दिशा में जाते हैं ना दिल के धड़कन बढ़ जाता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, पीटी नहीं होगा। अपने आप अंदर जो परमात्मा है ना, परमात्मा का स्वरूप हमारा आत्मा है, वो अपने आप गवाह देता है कि सही दिशा में नहीं जा रहे हो। अगर सही एक दिशा लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत कम समय पढ़ के पीटी 27 से 28 दिन में पढ़ के निकाला हूँ, 130 नंबर पीटी में लाए थे, मेरा नवादा सेंटर था, नवादा में, नवादा जन ही रहे, आप भी निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं, एक सही दिशा देने के लिए हम आ गए हैं। उसके बाद चौथा नंबर में क्या पढ़ना है हमको, दर्पण देखते हैं, चौथा नंबर प्रतियोगिता दर्पण जो होता है ना, इसका पूछा हुआ क्वेश्चन, इतना अगर कवर कर लेते हैं तो हम गारंटी कहते हैं दुनिया की कोई ताकत 130 से 140 नंबर तो कोई रोकवे नहीं करेगा जी, एकदम डिफिनिट है, कोई नहीं रोकेगा बहुत कम पढ़ के। तो सारा का सारा वीडियो डाल रहे हैं, मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर डाल देते हैं, रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर डाल देते हैं, अब बाकी के लिए स्पीडी पढ़ने कैसे पढ़ना है जो पढ़ाए रात में लाभ ले रहे हैं। दर्पण का क्वेश्चन, दर्पण क्वेश्चन का बोलिए सर मेरे साथ 2 साल का दर्पण नहीं है, तो 2 साल वाला नहीं पढ़ना, पीछे वाला खाली पढ़ना है, मेन मेन चीज पढ़ना है। तो मेन मेन चीज पढ़ने के लिए अगर चाहते हैं कि नहीं हमको वो भी हमको अवेलेबल हो जाए, आप हमारे साथ जुड़िए, डेली लाइफ में डेली हम होमवर्क देते हैं ना, उसी का बोलते हैं टेस्ट मार दीजिए, और उसमें भी VVI लिख देते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम के लिए रखिएगा, एकदम निश्चित आएगा। और एक काम भी किए हैं जो BPSC में बहुत ज़्यादा काम किया, आप भी आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर सपना है, सपना देखे हैं तो देखते रहिए, लेकिन अगर सपना देखे हैं उसको साकार करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सपना साकार करने में हम एक अच्छे दोस्त आपको साबित हो सकते हैं, एक अच्छा मेंटर साबित हो सकते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, एक बार मौका मिला है CGL, इसके बाद 10 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा, समय निकल जाएगा, एज निकल जाएगा, फिर एज आपको दोबारा नहीं आ सकता है, समय दोबारा नहीं आ सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको अपर हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।